Uh, hello everyone welcome back to the channel last minute revision with rsm and here i'm back with another video so टूडे वी आर गोइंग टू सी सम इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स विद दट वी आर ऑल्सो गोइंग टू सी द नोट्स टू अकाउंट्स हाउ टू प्रिपेयर द नोट्स टू अकाउंट्स इन केस ऑफ बैलेंस शीट इफ डिजासन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव सीन अबाउट द कैपिटल रिडक्शन एंड वी हैव ऑल्सो सीन अबाउट सम ऑफ द न्यू एडजस्टमेंट्स विच रिलेड टू द चैप्टर सो काफ़ी सारे नए एडजस्टमेंट्स हमने लास्ट टाइम देखे थे तो अभी इसी सेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं जर्नल एंट्रीज के साथ हाउ टू प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स बिकॉज बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट्स बहुत जरूरी है और ये जो नोट्स टू अकाउंट्स है उसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है वो इस वीडियो में हम सीखेंगे तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हाउ टू प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स विद जर्नल एंट्री ये है आज का क्वेश्चन दिस इज सम नंबर फोर्थ विच वी आर गोइंग टू सॉल्व एंड दिस क्वेश्चन हैज सम ऑफ ऑफ द द एडजस्टमेंट्स रिलेट्स विद कैलकुलेशन इक्विटी शेयर कैपिटल एंड ऑल्सो वी हैव सम पॉइंट्स वी हैव पॉइंट प्रीवियसली सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है क्वेश्चन में आपको दिया है लाइबिलिटीज वी हैव ट्वेंटी थाउजेंड शेयर ऑफ टेन रूपीज इच टू लैख रुपीज एट परसेंट प्रेफरेंशियस ऑफ हंड्रेड इज दैट इज सिक्स लैक्स नाइन परसेंट डिवेंचर्स ऑफ हंड्रेड इज दैट इज सेवन लैक्स क्रेडिटर्स है हमारे पास बिल्स पेएबल है सिमिलरली असेट साइड की अगर हम बात करें तो असेट साइड में वी आर हैविंग लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर एंड फिटिंग्स इन्वेस्टमेंट्स डेटर्स कैश बिल्स रिसिवेबल एंड वन फिफ्टी सेट वी आर हैविंग ओवर हियर दैट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट्स के साथ एडजस्टमेंट नंबर वन Equity इक्विटी शेयर आर रेड्यूस फ्रॉम रूपीज टेन बायीस सिक्स इंच तो यहाँ पे बाय रुपी सिक्स दिया हुआ है तो किस तरीके से जर्रल entries के साथ साथ आपको इफेक्ट भी बताता हूँ और कैल्कुलेशन भी बताता हूँ चलो आगे बढ़ते हैं एट परसेंट प्रेफरेंस को कन्वर्ट किया फिर नाइन परसेंट डिवेंचर्स के बारे में adjustment है फिर क्रेडिटर्स के ऊपर एक एडजस्टमेंट डाला है असेट्स be written ऑफ और इन्वेस्टमेंट्स का रियलाइजेबल वैल्यू सॉल्व करने से पहले इक्विटी शेयर्स देखो इक्विटी शेयर्स यहां पे दिया हुआ है ट्वेंटी थाउजेंड अगर हम टू लैक्स ,00 को टेन से डिवाइड करेंगे तो ट्वेंटी थाउजेंड आएगा सिमिलरली अगर हम सिक्स लैक्स ,00 को हंड्रेड से डिवाइड करेंगे तो सिक्स थाउजेंड प्रेफरेंस आएंगे तो प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू कितनी है प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू है सिक्स थाउजेंड प्रेफरेंस ये आपको ध्यान रखना है सॉल्व करते वक्त बिकॉज इसी से मैं जो भी मल्टीप्लीकेशन होगा वो आगे में इसी से मल्टीप्लीकेशन करने वाला हूं ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं फिर आ, सबसे पहले एडजस्टमेंट में जाएंगे एडजस्टमेंट के साथ एंट्रीज करेंगे पहला एंट्री है इक्विटी शेयर्स आर रिड्यूस फ्रॉम रूपीज टेन बाय रूपीज सिक्स तो चलो एंट्री नंबर वन पहले लिख लेते हैं फिर अमाउंट कैलकुलेशन सीखेंगे एंट्री नंबर वन क्या बताया था एंट्री नंबर वन इक्विटी का रिडक्शन है तो एंट्री होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ठीक है इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था फर्स्ट स्टेप है हमारा क्वेश्चन की अमाउंट को हमें कॉपी करना है तो क्वेश्चन में कितना अमाउंट है टू ,00 तो लैक्स ,00 फिर आगे बढ़ते हैं एडजस्टमेंट में आते हैं एडजस्टमेंट में बोला है टेन रूपीज का वैल्यू सिक्स तो मैं यहां पे आपको करके दिखाता हूं देखो कैसा है फेस वैल्यू कितना था हमारा फेस वैल्यू टेन था टेन की वैल्यू यहाँ पे टू आएगा और यहाँ पे डिफरेंस में बाय आएगा अब हम एडजस्टमेंट पढ़ते हैं कि बाय दिया है या टू दिया है तो एडजस्टमेंट से इक्विटी शेयर्स आर रेड्यूस फ्रॉम रूपीज टेन बाय रुपीज सिक्स तो बाय के सामने सिक्स लिख रहा हूं यहाँ पे सिक्स आएगा तो टेन में से सिक्स माइनस किया कितना बचता है फोर सिक्स कहाँ पे जाएगा कैपिटल रिडक्शन ठीक है मल्टीप्लीकेशन करते हैं ध्यान से अभी कितने शेयर्स थे हमारे ट्वेंटी थाउजेंड शेयर्स थे तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ट्वेंटी थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय फोर की वैल्यू तो कितना आएगा एटी थाउजेंड सो टू लैक्स में से 80,000 अगर आप माइनस करोगे तो बचता है वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड दैट इज योर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ठीक है तो दैट इज द एंट्री नंबर वन ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वाइल सॉल्विंग दिस एंट्री बाय दिया है या टू दिया है ध्यान रखना कभी भी बाय दिया तो बाय की वैल्यू कहाँ ट्रांसफर होती है बाय की वैल्यू ट्रांसफर होती है कैपिटल रिडक्शन में एंड टू की वैल्यू कहाँ ट्रांसफर होती है टू की वैल्यू ट्रांसफर होती है सीधा इक्विटी शेयर्स में ठीक है सिमिलर एंट्री अभी मैं प्रेफरेंस का करने वाला हूँ एट परसेंट प्रेफरेंसर्यसू नाइन परसेंट प्रेफरेंसर्स ऑफ बाय रुपीज सिक्सटी इच तो नाइन परसेंट प्रेफरेंशियस में कन्वर्ट हो रहा है लेकिन बाय रुपीज सिक्सटी दिया है तो पहले एंट्री कर लेते हैं फिर इसका अमाउंट देखेंगे ठीक है चलो एंट्री करेंगे एंट्री नंबर सेकेंड एट परसेंट शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कन्वर्ट नाइन परसेंट में हुआ है तो टू नाइन परसेंट शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ठीक है यही स्टेप है जो हमने इक्विटी के लिए किया पहले प्रेफरेंस की वैल्यू देखो सिक्स लैक्स ,00 है हमने नंबर ऑफ शेयर यहां पे ढूंढ के रखे सिक्स थाउजेंड लेकिन उसका वैल्यू हंड्रेड है फेस वैल्यू तो एट परसेंट शेयर में आई विल बी राइटिंग दी अमाउंट सिक्स लैक्स देखो फेस वैल्यू कितना था हंड्रेड रेड्यूस हुआ यहाँ पे टू का वैल्यू यहाँ पे बाय का वैल्यू बाय उन्होंने दिया है सिक्सटी हंड्रेड सिक्सटी यहां पे कितना आएगा 40 अभी मैं मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं से. कितने नंबर ऑफ शेयर को अगर मैं हंड्रेड से डिवाइड करू तो नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे शेयर मल्टीप्लाइड बाई फोर्टी रूपीज तो दैट विल बी टू लैख फोर्टी थाउजेंड अगर हम सिक्स लैक्स ,00 में से टू लैख फोर्टी को माइनस करेंगे तो हमें डिफरेंस मिलता है थ्री लैख सिक्सटी आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो सिक्स थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई फोर्टी भी कर सकते हैं दैट इज एंट्री नंबर सेकंड सो बोथ दी एंट्रीज इफ यू सी बोथ दोनों के दोनों एंट्रीज में हमें बाय ही दिया था अगर टू देते तो हम टू के वैल्यूज को लिखते सिर्फ आपको ये प्रेजेंटेशन ध्यान रखना है जैसा मैंने प्रेजेंट किया है उसी तरीके से आप भी प्रेजेंट कर लेना दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू एंट्री नंबर थर्ड एडजस्टमेंट नंबर थ्री नाइन परसेंट डिवेंचर्स टू बी कन्वर्टेड इनटू एट परसेंट डिवेंचर्स ऑफ फाइव लैक्स डायरेक्ट वैल्यू ही दिया है पहले नाइन परसेंट डिवेंचर्स की वैल्यू देखते हैं क्वेश्चन में सेवन लैक्स है और एडजस्टमेंट में फाइव लैक्स है तो टू तो लैक्स का डिफरेंस है एंट्री नंबर थर्ड करेंगे हम एंट्री नंबर थर्ड नाइन परसेंट डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट किसमें कन्वर्ट हुआ टू एट परसेंट एट परसेंट डिबेंचर्स अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ठीक है नाइन परसेंट डिबेंचर्स की वैल्यू कितनी थी सेवन लैक्स कन्वर्ट हुआ तो कितनी वैल्यू दी है फाइव लैक्स ,00 तो कितना डिफरेंस आया टू लैक्स ,00 दैट इज योअर कैपिटल रिडक्शन आई होप की ये एंट्रीज अभी आपकी क्लियर है बिकॉज ये हमने लास्ट टाइम ऑलरेडी कर लिए है तो अगर आपने वो वीडियोज अभी तक नहीं देखे तो वो वीडियोज आप चेक करें बिकॉज ये सारा कुछ सीरीज में चलने वाला है हर एक लेक्चर में आपको नया कुछ सीखने मिलेगा इसलिए अगर आप डायरेक्टली ये लेक्चर देखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा पिछले लेक्चर्स को ध्यान से देखें मैं ऐसा होप करके आपको करवा रहा हूँ कि आपने प्रीवियस सेशन ध्यान से केयरफुली देखे होंगे चलो आगे बढ़ते हैं एडजस्टमेंट नंबर फोर क्रेडिटर्स आर सेटल्ड बाय इशूइंग फिफ्टीन थाउजेंड इक्विटी शेयर्स ऑफ टेन इच पहले क्रेडिटर्स देखते हैं वैल्यू कितनी है टू लैक्स ,00 है इसको थोड़ा सा आपको यहां पे समझाता हूँ देखो किस तरीके से है किया है क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है क्रेडिटर्स की वैल्यू है टू लैख रूपीज फाइन दिस इज द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स ओके तो क्रेडिटर्स को क्या किया है एडजस्टमेंट क्रेडिटर्स आर सेटल्ड बाय इशूइंग फिफ्टीन थाउजेंड इक्विटी शेयर्स ऑफ टेन इच तो इनको क्या दिया है इनको इक्विटी शेयर्स दिया है कितने शेयर्स दिए हैं फिफ्टीन थाउजेंड इक्विटी शेयर ऑफ टेन इंच मतलब पंद्रह हजार को अगर हम दस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा वन लाख फिफ्टी थाउजेंड दिस इज दू लैक्स में से जब क्रेडिटर्स को सेटल्ड किया गया तब क्रेडिटर्स को हमें देने थे टू लैक्स ,00 लेकिन हमने उनको बाय मीडियम ऑफ इक्विटी शेयर कितने पैसे दिए वन लैख फिफ्टी तो कितने पैसे हम नहीं दे पाए उनको फिफ्टी थाउजेंड तो हमारे लिए अच्छा है दिस इज दी प्रॉफिट फॉर द कंपनी तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी प्रॉफिट होगा कैपिटल रिडक्शन क्या होता है क्रेडिट तो इसका एंट्री अभी किस तरीके से करें सिंपल है ये वर्किंग नोट आपके पास प्रिपेयर करके रखो देखो क्रेडिटर्स को हम सेटल्ड कर रहे हैं तो एक बेस बता के रखता हूं जिनको जर्नल एंट्री कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्या है कि जो भी हम देंगे वो क्रेडिट जिसको हम पेमेंट करेंगे वो डेबिट तो वी आर पेइंग टू हुम वी आर पेइंग टू क्रेडिटर्स दैट इज वाई क्रेडिटर्स विल बी डेबिट एंड वी आर पेइंग वॉट वॉट वी आर पेइंग क्या हम पे कर रहे हैं उनको वी आर पेइंग इक्विटी शेयर्स तो इक्विटी शेयर्स विल बी क्रेडिटेड एंड सिंस इट्स अ प्रॉफिट फॉर अस तो कैपिटल रिडक्शन विल बी क्रेडिटेड सो इसका एंट्री सही एंट्री क्या होगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन चलो यहां पे एंट्री नंबर फोर कर रहा हूं एंट्री नंबर फोर एंट्री नंबर फोर है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ठीक है क्रेडिटर्स कितना था टू लैक्स का था हमने उनको इक्विटी शेयर दिया कितना दिया वन लैख फिफ्टी का दिया वर्किंग नोट अभी मैंने आपको करवाया है तो आपका कितना डिफरेंस बचा फिफ्टी थाउजेंड दैट इज योअर कैपिटल रिडक्शन सिंस इट्स अ प्रॉफिट फॉर यू इट इज कैपिटल रिडक्शन ओके चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट में जाएंगे अभी असेट्स का रिवैल्यूड फिगर आ रहा है यहाँ पे असेट्स रिवैल्यूड लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर तो लैंड एंड बिल्डिंग की एक बार वैल्यू चेक कर लो लैंड एंड बिल्डिंग की क्वेश्चन में वैल्यू दी है फाइव लाख रुपीज एंड एडजस्टमेंट में लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है एट लाख रुपीज इसका मतलब एडजस्टमेंट में वैल्यू बढ़ी है तो दैट इज इट इज एप्रिसिएशन मतलब असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा एप्रिसिएशन असेट की वैल्यू कम होगी तो क्या होगा डेप्रिसिएशन फर्नीचर की वैल्यू देखो फर्नीचर की वैल्यू टू लैक्स क्वेश्चन में है एडजस्टमेंट में फर्नीचर की वैल्यू है वन लैख सेवेंटी फाइव इसका मतलब वैल्यू कम हो रही है तो इसको हम अलग अलग वे से लेंगे ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं फिर एडजस्टमेंट नंबर एंट्री नंबर फिफ्थ पे जाएंगे एंट्री नंबर फिफ्थ क्या होगा लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो रही है बढ़ रही है तो एंट्री होगा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन सो जब भी वैल्यू बढ़ेगी तब प्रॉफिट होता है इसीलिए कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट अब अमाउंट कितना होगा देखो लैंड एंड बिल्डिंग की क्वेश्चन में वैल्यू कितनी है फाइव लैक्स एडजस्टमेंट में वैल्यू कितनी है लैंड एंड बिल्डिंग की एट लैक्स तो कितने से बड़ी फाइव लैक्स और एट लैक्स का डिफरेंस कितना हुआ थ्री लैक्स तो थ्री लैक्स से बड़ी तो यहां पे आएगा थ्री सिमिलर यहां पे भी आएगा थ्री लैक्स ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं सिक्स नंबर के एंट्री में जाएंगे फर्नीचर की वैल्यू क्या हुई है कम हुई है तो क्या बनेगा एंट्री कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट देखते हैं वैल्यू कितनी कम हुई देखो क्वेश्चन में वैल्यू है फर्नीचर की टू लैख एडजस्टमेंट में कितनी वैल्यू है फर्नीचर की एडजस्टमेंट में वैल्यू है वन लैख सेवेंटी फाइव इसका मतलब कितने से कम हुई ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड से वैल्यू कम हुई फाइन चलो आगे बढ़ेंगे फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट में जाते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट ऑल आर बी रिटन ऑफ एंड प्रेजेंट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज फोर लाख फिफ्टी तो पहले फिक्टिशियस असेट देखते हैं फिक्टिशियस असेट कौन सा है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस तो नेक्स्ट एंट्री करेंगे हम एंट्री नंबर सेवन क्या होगा एंट्री कैपिटल रिडक्शन डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना अमाउंट है फिक्टीशस सेट्स का प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट है वन लाख रुपीज तो अमाउंट यहां पे आएगा वन लाख. फाइन चलो आगे बढ़ेंगे यहां पे भी आएगा वन लाख. नेक्स्ट एंट्री नंबर एट हाँ ये इंपॉर्टेंट है ध्यान से एडजस्टमेंट नंबर सेवेंथ है हमारा सेकेंड लास्ट एंट्री है द प्रेजेंट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ रूपीज फोर लैख फिफ्टी अभी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में थ्री लैख ,00 है एडजस्टमेंट में कितनी वैल्यू है फोर लैख फिफ्टी है क्या दिख रहा है आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है तो क्वेश्चन में वैल्यू है थ्री लैख्स एडजस्टमेंट में वैल्यू है फोर लैख फिफ्टी इसका मतलब कि एडजस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है इसका मतलब ये होता है कि इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू एप्रिसिएट हुआ है बढ़ रहा है तो एप्रिसिएट होगा तो हमारे लिए क्या होगा प्रॉफिट और प्रॉफिट होगा तो कैपिटल रिडक्शन हम क्या करते हैं क्रेडिट तो एट नंबर का एंट्री एंट्री होगा इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कितना डिफरेंस है थ्री लाख और फोर लाख फिफ्टी का वन लाख फिफ्टी तो आपको डिफरेंस लिखना है वन लाख फिफ्टी थाउजेंड दैट एंडस ऑल दी एडजस्टमेंट नाइन्थ नंबर का एंट्री हमारा लास्ट एंट्री है क्या होता था हमारा लास्ट एंट्री एंट्री होगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट सो फॉर कैलकुलेटिंग दिस वी हैव लर्न समथिंग इफ यू रिमेंबर हमने क्या पढ़ा था हमने एक पढ़ा था कि कैपिटल रिडक्शन जितने बार क्रेडिट हुआ है वो प्लस करना है जितने बार डेबिट हुआ है वो माइनस करना है ठीक है चलो फिर कैलकुलेट करते हैं जितने बार क्रेडिट हुआ है वो प्लस करेंगे जितने बार डेबिट हुआ है वो माइनस करेंगे एंट्री नंबर वन में वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड तो ये क्या करना है ये प्लस करना है वन लैख ट्वेंटी आप कैलकुलेटर पे ले लेना वन लैख ट्वेंटी प्लस थ्री लैख सिक्सटी प्लस this 2 lakhs plus this 50000 plus this 3 lakhs 25000 फाइव थाउजेंड डेबिट हुआ है तो ये माइनस करेंगे माइनस वन लैख डेबिट हुआ है कैपिटल डिडक्शन ये माइनस करेंगे वन लैख फिफ्टी कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हुआ है ये प्लस करेंगे तो इसका आंसर कितना आता है देखते हैं तो इसका आंसर आ रहा है मे बी कैलकुलेट कर रहा हूं आपके साथ साथ तो आंसर फॉर दिस इज टेन लैक फिफ्टी फाइव थाउजेंड एक बार चेक कर लेना वी आर गेटिंग द सेम आंसर सो दैट इज एंट्री नंबर लास्ट विच हैव पास तो इतना तो हमने इतने सारे सेशंस में सीख ही लिया है अभी हम इस सेशन में ये सीखेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स तो अभी ये नोट्स टू अकाउंट्स का क्या चक्कर है किस तरीके से इसको प्रिपेयर करना है देखो नोट्स टू अकाउंट्स वी आर गोइंग टू प्रिपेयर नाउ हाउ टू प्रिपेयर दिस नोट्स टू अकाउंट्स के लिए कॉलम है एक कॉलम हमारा पर्टिकुलर्स ठीक है और एक यहां पे मैं कॉलम बना रहा हूं अमाउंट के लिए सबसे पहले पॉइंट नंबर वन है हमारा शेयर कैपिटल ठीक है पॉइंट नंबर वन क्या है शेयर कैपिटल अब ये शेयर कैपिटल ढूंढने का कैसे और इसको लिखना कैसे है ये आप ध्यान से समझना ताकि आपके सारे पॉइंट्स आगे के क्लियर हो जाए मैं तरीका बताता हूं किस तरीके इसको इसको प्रेजेंट करना है सबसे पहले हमें एंट्री नंबर वन देखना है हमारे एंट्री नंबर वन में इक्विटी शेयर कैपिटल की एंट्री है हमारी फर्स्ट एंट्री तो उसके एंट्री में जो हमारा क्रेडिट साइड में अमाउंट है मतलब मैं इसको राउंड कर रहा हूं एटी थाउजेंड का ये जो एटी थाउजेंड का अमाउंट है हमारे पास इसी अमाउंट को हमें हमारे वर्किंग नोट में प्रेजेंट करना है पहले एक बार चेक कर लेते कितना कितना भी वैल्यू दिया हुआ है पे से हमने फोर को मल्टीप्लाई किया तो हमको ये वैल्यू मिली थी एटी थाउजेंड तो हम अभी मैं प्रेजेंट कर रहा हूं ध्यान से समझना ये प्रेजेंटेशन ही इंपॉर्टेंट है आई एम गोइंग टू राइट ओवर इंटर ट्वेंटी थाउजेंड इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज फोर इच अमाउंट इज एटी थाउजेंड सो आपको करना क्या है कैसे लिखा मैंने इसको देखो एंट्री नंबर वन में मैंने जो मल्टीप्लीकेशन किया है वही लिखा ट्वेंटी थाउजेंड शेयर ऑफ फोर ईच और अमाउंट मैंने लिखा एटी थाउजेंड ठीक है इक्विटी लिखने के बाद डायरेक्टली प्रेफरेंस ना लिखे बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि और किसी एंट्री में इक्विटी आने के चांसेस है जैसे इस क्वेश्चन में देखो एंट्री नंबर फोर्थ में देखो क्रेडिट साइड में आपके पास इक्विटी है तो क्रेडिटर्स का अमाउंट है वन लाख फिफ्टी ये कहां से लाया है एडजस्टमेंट में एक बार देखते हैं वहां पे डिनोमिनेशन रहेगा देखो एडजस्टमेंट नंबर फोर क्रेडिटर्स आर सेटल्ड बाय इशूइंग हाउ मेनी शेयर्स फिफ्टीन थाउजेंड शेयर्स तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेम वे में इक्विटी उसका फेस वैल्यू अलग है इसलिए अलग है फिफ्टीन इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज टेन ईच तो अमाउंट कितना वन लाख फिफ्टी थाउजेंड Okay, फेस वैल्यू टेन है अगर हमारे दोनों के फेस वैल्यू टेन होते तो हम लोग प्लस कर सकते थे और एक ही इक्विटी शेयर लिख सकते थे फिलहाल ऐसा नहीं होगा अभी मैं प्रेफरेंस का लिख रहा हूँ सिमिलर वे में ठीक है प्रेफरेंस देखो क्रेडिट साइड में सिक्स थाउजेंड इंटू फोर्टी किया था तो ये वैल्यू मिला था ट इज टू लैक फोर्टी थाउजेंड अभी इसको मैं यहां पर प्रेजेंट कर रहा हूं नाइन परसेंट है ठीक है तो यहां पर लिखेंगे प्रेफरेंस लिखने का तरीका समझना सिक्स थाउजेंड कॉमा नाइन परसेंट प्रेफरेंशियर्स ऑफ रूपीस किससे मल्टीप्लाई किया था सिक्स थाउजेंड को फोर्टी से ऑफ रूपीस फोर्टी इच तो कितना अमाउंट आया था अमाउंट था टू लैक्स फोर्टी थाउजेंड अभी आप इसको टोटल कर लेना कैलकुलेशन तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा दैट विल बी योर टोटल दैट विल बी योर फर्स्ट वर्किंग नोट तो बैलेंस शीट बनाने से पहले ये वर्किंग नोट हमें सीखना है जब तक आप ये वर्किंग नोट सही तरीके से नहीं बनाओगे तब तक आप बैलेंस शीट को टेली कर ही नहीं सकते बिकॉज़ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में वर्टिकल बैलेंस शीट ये बोलता है कि देयर शुड बी नोट्स टू अकाउंट्स मतलब हम बैलेंस शीट अलग से बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स अलग से बनाएंगे ये नोट्स टू अकाउंट्स के पॉइंट्स पहले बनाएंगे इसमें से हम सारे के सारे अमाउंट्स वहाँ लेके जाएंगे ठीक है सेकंड नंबर सेकंड नंबर इज रिजर्व्स एंड सरप्लस ये रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या लिखना है अभी रिजर्व एंड सरप्लस में हमें लिखना है कैपिटल रिजर्व अब ये कैपिटल रिजर्व कहां से लिखू देखो कैपिटल रिजर्व के लिए क्वेश्चन में हमारा लास्ट नंबर का एंट्री नाइन नंबर का टेन लाख फिफ्टी फाइव थाउजेंड शैल बी राइटिंग टेन लाख फिफ्टी फाइव थाउजेंड ठीक है यही अमाउंट हमको लिखना है टेन लाख फिफ्टी फाइव थाउजेंड ये दो बातें हमने आज सीखी है हाउ टू प्रीपेयर नोट्स टू अकाउंट्स तो नोट्स टू अकाउंट्स बनाने से पहले एक बार बेस हमारा जरल एंट्रीज ही है सब में बेस जरल एंट्रीज है जब तक वो आप सही तरीके से नहीं सॉल्व करोगे तब तो तक आपको आगे की चीजों में प्रॉब्लम्स होंगे दैट इज वाई आई हैव टू डे ब्रॉट वन क्वेश्चन विद नोट्स टू अकाउंट्स हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं देखो मैंने नोट्स टू अकाउंट्स के पहले आपको कैपिटल रिडक्शन कैसे बनाना है वो सीखा था बिकॉज इस पूरे चैप्टर में हमको तीन चीजें सीखनी है नंबर वन हाउ टू प्रिपेयर जरल एंट्रीज या हाउ टू ड्राफ्ट जरल एंट्रीज नंबर सेकेंड कैपिटल रिडक्शन अकाउंट एंड नंबर थर्ड वी आर गोइंग टू सी द बैलेंस शीट सिंस वी आर गोइंग टू सी द बैलेंस शीट बिफोर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विच यू नीड टू नो बिकॉज अनलेस एंड अंटिल यू नो द नोट्स टू अकाउंट्स यू कैनॉट गो डायरेक्टली फॉर प्रिपेयरिंग द बलेंस शीट इसी आपको ये चीज़ें ज़रूरी है और ये मैंने किस तरीके से लिखे हैं इसका एक बार आपको अगर समझ नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को फिर से देखें ताकि आपको ये जो पॉइंट्स मैंने मल्टीप्लीकेशन करके लिखा है उसको आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो इसको हम और आगे के वीडियोज में भी ध्यान से चेक करने वाले हैं तो इसको आप अपने पास बुक्स में नोट डाउन करके रखें सो so दैट ये पॉइंट्स आपके क्लियर हो चलो दैट सेट दिस वाज द वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें अगर चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें इसको सो so दैट उनको भी नोटिफिकेशंस uh, आते रहेंगे और ये जो इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन का जो सीरीज मैंने स्टार्ट किया है उसका बेनिफिट सभी लोगों को मिल सके दैट्स इट थैंक यू वेरी मच थैंक्स फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर